नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। मैं हूँ आपकी दोस्त अनुप्रिया और आज मैं आप लोगों के साथ ये मेकअप लुक मैंने कैसे क्रिएट किया है वो मैं देखूंगी, हाउ आई गेट दिस लुक। एक्चुअली ये सीरीज जो है मैंने स्वाति भाभरा की देखी थी तो मुझे लगा यार बहुत इंटरेस्टिंग है, तो मैं आप लोगों के लिए ये सीरीज लेकर आई हूँ। पूरा पूरा क्रेडिट मैं स्वाति भाभरा को देना चाहूंगी और उन्हीं से इंस्पायर होकर मैंने ये सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें आपको पहले मेकअप लुक देखने को मिलेगा और उसके बाद आपको जो है हाउ आई गेट दिस लुक का आएगा। ये सारे के सारे जो प्रोडक्ट्स हैं, मैंने कैसे मंगवाया, कहाँ से मंगवाया, सब कुछ आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वैसे ये अमेजोन हॉल होने वाला है, तो इसमें सबसे पहले मैंने ये नोज पिन है, ये वैसे तो मेरे पास काफ़ी टाइम से है। जब यहाँ पे गणेश चतुर्थी थी तो मेरी फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट की थी, वैसे अमेजोन पे भी ये मिल जाएगी। पहले मैं इसे रिमूव कर देती हूँ क्योंकि मुझे काफ़ी देर से इरिटेट कर रही है। थोड़ी सी डिफरेंट काइंड की ये होती है, पूरा पर्ल होता है, वैसे गोल्ड में भी ऐसी आती है और बहुत प्यारी लगती है, तो आराम से है, आप लगा सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन मुझे साइनस की प्रॉब्लम है तो थोड़ा इरिटेट करती है नोज पिन। उसके बाद मैंने ये जो है साड़ी कैरी की है, साड़ी जो है वो एडजस्टेबल साड़ी है, मतलब पहनी हुई है, आपको यहाँ पे दिख जाएगी, टोटली धोती बनी हुई है और उसके साथ दुपट्टा है, सिर्फ दुपट्टा आपको एडजस्ट करना है। 1500 के अराउंड साड़ी है, इसमें बहुत सारे कलर्स अवेलेबल है। ये आर्टिफिशियल सिल्क साड़ी है, फ्री साइज में आती है और आप देख सकते हैं इस तरीके से इसके ऊपर धोती बनी हुई है, जैसे कि बच्चों की अगर आपने धोती देखी है ना, बिल्कुल वैसे एग्जैक्टली बनी हुई है। पल्ला भी एडजस्ट है और अंदर की तरफ जो है आपको जो अस्तर होता है वो लगा हुआ मिल जाता है, ताकि आपको पेटीकोट पहनने की ज़रूरत ना पड़े। और स्टैंडर्ड साइज़ है तो इस वजह से पल्ला भी थोड़ा सा लंबा रहता है, आपको इसे थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा या करवाना पड़ेगा अपने साइज़ के अकॉर्डिंग, तभी आप इसे वेयर कर पाएंगे। इसे पहनना बहुत ज़्यादा ईजी है, जैसे कि हम प्लाजो को पहनते हैं बिल्कुल वैसे ही आपको इसे वेयर करना है और नाड़ा बंद कर लेना है और पल्ले को एडजस्ट कर लेना है। ये इतना ईजी है जितना कि आपको नॉर्मल पैंट पहनना। मतलब धोती साड़ी एक ड्रीम है हर किसी को पहनने का, तो ये साड़ी स्टिच होकर ये आपको अमेजोन पे मिल रही है। स्टफ वह बहुत ज़्यादा अच्छा है, बॉर्डर के ऊपर गोल्डन वर्क किया हुआ है, गोल्डन और ग्रीन कलर की ये साड़ी बहुत प्यारी लगती है, येलो और ग्रीन कलर की। इसके साथ आपको एक प्रॉपर ब्लाउज भी मिल जाता है, लेकिन मैंने ब्लाउज स्टिच नहीं करवाया है, मतलब बॉर्डर मिलता है, प्रॉपर ब्लाउज पीस नहीं मिलता है। तो यहाँ पर मैंने जो है इस तरीके का ब्लाउज मंगवाया है, ये ब्लाउज 600 रुपये का कुछ अराउंड है, इसके ऊपर भी हल्का हल्का मुकेश वर्क है और काफी अच्छी लगती है, काफी प्यारा ब्लाउज है, एकदम फिटेड आया है, मैंने जो साइज मंगवाया था बिल्कुल एग्जैक्ट साइज है। इसका नेकलाइन अगर मैं दिखाऊं तो कुछ इस तरीके का है, बैक साइड पे इसके जो है आपको हुक मिल जाते हैं, फ्रंट पे हुक नहीं है, इसके बैक साइड पे है, तो आराम से आप एडजस्टली पहन सकते हैं और इजिली बंद हो जाते हैं और काफ़ी अच्छी फिटिंग आई है इसकी। तो इसका स्टफ भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, इसके अंदर भी आपको अस्तर मिल जाती है। इसके बाद नेक्स्ट जो है ये मंगलसूत्र, ये भी 200 का है, ये मंगलसूत्र यहाँ पर हर कोई पहनता है, वैसे उनका गोल्ड का होता है नॉर्मली, ये आर्टिफिशियल है, 200 रुपीज़ का है। इसके अंदर रूबी पर्ल है जो कि रेड कलर का इसकी लुक को और ज़्यादा एनहेंस कर देता है, और ब्लैक कलर का है, पीछे आपको डोरी मिल जाती है से आपको इसे एडजस्ट करना होता है। इसके साथ कोई इयररिंग्स नहीं आता, सिर्फ इस तरीके का एक नेकलेस ही होता है। उसके बाद मैंने एक लेयर नेकलेस पहना है, ये 3 लेयर नेकलेस है, ये भी कुछ अराउंड 150-200 रुपए का आपको मिल जाएगा अमेजोन पे। इसमें काफी सारे कलर्स हैं, ग्रीन भी है, रेड भी है और मिक्स भी है, मैंने अपनी साड़ी के अकॉर्डिंग मिक्स मंगवाया है। इसके साथ आपको छोटे छोटे इयररिंग्स मिलते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे, लेकिन मुझे थोड़ा सा हैवी लुक चाहिए था तो मेरे पास एक जो है सेट पड़ा था, उसके साथ के ही मैंने ये ड्रॉप आउट ग्रीन कलर के इयररिंग्स पहन लिए हैं, तो ये भी मैं बता दूंगी, अगर मुझे मिला तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। अब बात करते हैं मांग टीका की, मांग टीका मेरे पास ऑलरेडी था तो मुझे नई ज़रूरत पड़ी। अब रिंग ये मेरे पास काफ़ी टाइम से थी, ये भी मैंने अमेजोन से मंगवाई थी, वैसे हर वेबसाइट पे है लेकिन अमेजोन पे ये काफ़ी खूबसूरत है, 200 रुपीज़ की, लेकिन बहुत प्यारी है, इसमें रूबी लगा हुआ है और उसके बाद साइड पर इस तरीके की है, 250-300 रुपये की रिंग है, लेकिन बहुत प्यारी, बहुत एलिगेंट लगती है। ये रिंग भी आपको अमेजोन पर मिल जाएगी, ये 2 फिंगर रिंग है, आपने देखा होगा बहुत सारे ब्लॉगर्स ने पहना हुआ है, ये इस तरीके की रिंग है, बहुत प्यारी लगती है, बहुत ज़्यादा एलिगेंट लगती है। ये भी कुछ अराउंड 300-350 रुपए की है, वैसे मिंत्रा पे मैंने चेक की थी, मिंत्रा पे 550 रेट था, लेकिन अमेजोन पे आपको डिस्काउंटेड रेट पे मिल जाती है और काफ़ी अच्छी लगती है, आप देख सकते हैं। उसके बाद आते हैं चूड़ियों का सेट, ये चूड़ियों का सेट एज इट इज़ आया था ऐसे का ऐसा, तो ये कुछ अराउंड 550 रुपये का था, इसके अंदर ग्रीन कलर की कांच की चूड़ियाँ हैं और इसके साथ यहाँ पर इस तरीके की ये गोल्डन कांच की चूड़ी
चूड़ियां हैं और बीच में मेटल चूड़ियां हैं। तो ये है, मैंने बता दिया सेटअप थोड़ा सा चेंज है क्योंकि लाइट चली गई थी, तो अभी मैंने दोबारा से आई है तो मैं उस टाइम फुल लुक ले रही थी, तो मुझे लगा कि अभी ये भी शूट कर लेना चाहिए। तो लाइफ ऑफ ब्लॉगर, चलिए ज़्यादा डिले ना करते हुए आगे बढ़ते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा नहीं तो। तो मैंने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें आपको बता दी हैं, ये रिंग्स भी बता दी थी और ये जो आप पीछे जूड़ा देख रहे हैं, ये जोड़ा जो है ये मैंने दो का पैक मंगवाया था। मुझे ज़्यादा हेयर स्टाइल बनाने तो आते नहीं है, तो ये कचरे वाले हेयर स्टाइल आर्टिफिशियल कचरे हैं, काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। ये फोम का है और ये वाला प्लास्टिक का है, ये काफ़ी खूबसूरत और काफ़ी अच्छे लगते हैं। जस्ट आपको नॉर्मल रफली आपको जोड़ा बनाना है और उसके ऊपर इसको टक कर देना है इस पिंस के साथ, तो ये इस तरीके से दो आते हैं। जस्ट बहुत ईजी होता है लगाना, जो आपने अगर पिछला वीडियो देखा तो आपको पता होगा। इसके अलावा जो है, मैंने आपको चांद बिंदी दिख रही होगी, तो ये चांद बिंदी भी आपको अमेजोन पे मिल जाती है, मैं मंगवाना भूल गई थी। तो यहाँ पर ये जो बिंदी है, मैंने बड़ी बड़ी बिंदी को कट करके चांद बिंदी बनाई है, तो लिंक मैं डाल दूंगी अगर मुझे मिला तो। चांद बिंदी वैसे है अमेजोन पे, और ये छोटी बिंदी है, ये नग वाली एक ग्रीन कलर की बिंदी जो नॉर्मल होती है, फैंसी बिंदी वो मैंने यहाँ पर लगा ली है। तो इस तरीके से मेरा ओवरऑल लुक पूरा हो जाता है। और इसके अलावा जो है, मैंने और क्या मंगवाया था, चूड़ियों का भी मैंने आपको बता दिया। उसके अलावा मैंने यहाँ पे कमरबंद मंगवाई थी, ये दोनों में चल जाएगी। वैसे तो ये साउथ इंडियन मेकअप लुक के लिए मैंने मंगवाया था, लेकिन इसके साथ भी ये कॉम्प्लीमेंट कर रहा था। ये पूरा पूरा जो पट्टा है ये काफ़ी खूबसूरत लग रहा था, तो मैंने इसके साथ कैरी कर दिया। रुकिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये वाला जो है ये इस तरीके का पूरा साउथ इंडियन लुक है, इसके ऊपर टेम्पल ज्वेलरी के साथ है, बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा लगता है। तो ये 570 रुपीस का कुछ का है, लेकिन बहुत एलिगेंट और बहुत प्यारा लग रहा था, तो इसीलिए मैंने ये भी मंगवाया। और इसमें रेड और ग्रीन दोनों था, तो मैंने इसलिए भी इसे सेट के साथ भी मैच कर रहा था और इसके साथ भी, तो मैंने कहा कि कॉम्प्लीमेंट कर रहा है तो पहन लेना चाहिए। इसके अलावा मैंने कोल्हापुरी चप्पल मंगवाई थी। अब इस लुक को कंप्लीट करने के लिए कोल्हापुरी चप्पल तो चाहिए थी, तो कोल्हापुरी चप्पल जो है वो इस क्वालिटी की है, तो क्वालिटी मुझे ठीक ठाक से लगी, 170 रुपए की है। आगे आपको प्रिंट मिल जाता है, इस तरीके की एम्ब्रॉयडरी वर्क हो जाता है, बैक साइड भी आपको रबड़ की मिलती है, तो स्लिपरी तो बिल्कुल भी नहीं है, और क्वालिटी मुझे ठीक ठाक से लगी। और 170 या 190 रुपीज की है, इससे अच्छा और क्या होगा, मतलब उसे एज ए बाथरूम स्लीपर भी वेयर कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा, मतलब अमेजोन पे आपको डिस्काउंट मिल जाता है और काफ़ी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। और ये लुक जो है पूरा का पूरा मैंने देख कर मंगवा कर उसके बाद ही किया है। अभी मैंने सेहरा भी मंगवाया था, लेकिन वो सेहरा आने में बहुत टाइम लग जाता और मुझे कहीं जाना था, तो मुझे ये लुक पहले से शूट करके आप लोगों के लिए देना भी था। तो सभी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। इसके अलावा ये जो आप आई मेकअप देख रहे हैं, आगे ग्लिटर देख रहे हैं ना, ये ग्लिटर ना मैंने 370 रुपीज की इतनी सारी लूज ग्लिटर मंगवाई है। इसमें बहुत सारे कलर्स हैं, मतलब हल्के लाइट कलर्स भी हैं, डार्क कलर्स भी हैं, बहुत प्यारे ग्लिटर्स हैं, मतलब बिल्कुल भी पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा अच्छी है। और इसके साथ आपको ग्लू भी मिलती है, ग्लू के साथ आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। मैंने अभी नया नया आई मेकअप करना सीखा है, तो मेरे को थोड़ा टाइम लगेगा, जब मैं सीख जाऊंगी तो आपको जरूर बताऊंगी कि किस तरीके से लगाना चाहिए। बाकी आई मेकअप इतना भी बुरा नहीं लग रहा है, जिस तरीके से फर्स्ट अटेम्प्ट में काफ़ी अच्छा लुक निकल गया, मतलब मुझे तो अच्छा लग रहा है पर्सनली। आपको वो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और ये जो टाई अप है, इसके साथ आपको नाड़ा मिलता है, जैसे नॉर्मल हम प्लाजो पहनते हैं बिल्कुल वैसे इसको पहनना है, और सिर्फ इस तरीके से दुपट्टे को कैरी कर लेना है। अटैच्ड ही दुपट्टा है, और इसके साथ आपको पल्ला मिल जाता है इस तरीके का, और आपको बॉर्डर मिलते हैं जो आप मतलब जो भी ब्लाउज आप स्टिच करवाएंगे उसके ऊपर लगवा सकते हैं, तो बॉर्डर भी आपको इसके साथ दिया जाता है बिल्कुल, जो साड़ी के साथ मैचिंग होता है। तो ये था ओवरऑल लुक जो मैंने अचीव किया है, आई होप आपको पसंद आया होगा। परचेज करना चाहते हैं कोई भी आइटम तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, एक कंसोलिडेटेड लिंक भी आपको मिल जाएगा, इधर उधर ढूंढना नहीं पड़ेगा, डायरेक्टली उस पर क्लिक करना पूरा कैटलॉग खुल जाएगा जो भी आइटम मैंने इस वीडियो में दिखाई है। तो आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है तो लाइक जरूर देना, और ऐसे और इंटरेस्टिंग कंटेंट के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर कोई क्वेश्चन क्वेरी या शिकायत हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी डीएम करके आप बात कर सकते हैं, इंस्टाग्राम आईडी है अनुप्रिया अरोड़ा ब्लॉग्स। मिलते हैं फिर आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।